हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है लिनक्स किंग्स में। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ उबंटू तो लिनक्स के इंस्टॉलेशन के बारे में। दोस्तों, जैसे हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, जैसे विंडो एक्सपी, विंडोज 2007, विंडोज 10, ठीक है, विंडोज 8.1। तो ये विंडोज़ के बहुत सारे वर्जन है। ऐसे ही हमारा जो लिनक्स है, इसके भी बहुत सारे वर्जन है। और लिनक्स, आपको पता होगा कि जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ओपन सोर्स है। हमें यहाँ पे कोई भी पेमेंट नहीं करना होता, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको कोई भी वेबसाइट से, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाएंगे और इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसका यूज ले सकते हैं। लेकिन विंडोज़ में क्या होता है, जो ऑफिशियल जो विंडोज़ होती है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन लिनक्स के साथ ऐसा नहीं है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ, जो विंडोज़ 7 या फिर 10 का यूज़ करते हैं, उनके लिए जो अल्टरनेट है, आप जो उबंटू है उसका यूज़ ले सकते हैं। और ये आपको विंडोज़ से भी बेटर फीचर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मैं आज उसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको जो हमारा VMware है उसके अंदर इसका इंस्टॉलेशन बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं, आप जो उबंटू लिनक्स है उसकी जो ISO फाइल है वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपना जो फेवरेट ब्राउज़र है उसको ओपन कर लेना है, और उसके अंदर आपको टाइप करना है उबंटू डाउनलोड, या फिर डाउनलोड उबंटू, ठीक है, उबंटू डाउनलोड, नेक्स्ट। तो जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे, तो आपको जो फर्स्ट लिंक का जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, तो आप इसके जो डाउनलोडिंग जो लिंक है, जो पेज है, उस पर पहुंच जाएंगे। आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है डाउनलोड का ऑप्शन, और इसके बहुत सारे वर्जन है। अगर आप इसका जो लोअर वर्जन है वो डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे सी आवर अल्टरनेट डाउनलोड, इसके जो लोअर वर्जन के जो डाउनलोड है वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको विंडोज़ में भी चला सकते हैं, जो WSL टेक्निक है, विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स। तो आपको यहाँ पे सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो सिस्टम है वो उबंटू डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। मेरा जो, आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड के लिए बोल रहे हैं, मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो इसके बाद आपको इस फाइल को एक सेफ फोल्डर में रखना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है। जब भी हम उबंटू के इंस्टॉल करेंगे तो इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए नेक्स्ट हम आते हैं अपने VMware पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो VMware है, मैंने ओपन कर रखा है। तो जैसे आप, अगर आपने VMware इंस्टॉल कर रखा है, तो आपको VMware इस टाइप का कुछ दिखाई देगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे जो क्रिएट एंड न्यू वर्चुअल मशीन है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपके पास दो ऑप्शन है, टिपिकल रिकमेंडेड और कस्टम एडवांस, ठीक है। आप इसको इसमें रख सकते हैं या फिर कस्टम में कर सकते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंस्टॉलर डिस्क ISO इमेज इसका ऑप्शन देगा, इंस्टॉलर डिस्क का भी देगा, और IOL ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, आपको इस पर क्लिक करना है, क्योंकि हम इसको ISO इमेज के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो हम इसको बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू, वो लिनक्स पे रन करता है, ठीक है। इसके नेक्स्ट, यहाँ पे लिनक्स सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे इसका वर्जन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उबंटू का यूज़ ले रहा हूँ। तो जैसे आप इसको स्क्रॉल करोगे, आपको यहाँ पे उबंटू का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं उबंटू के दो वर्जन है, एक 64, एक नॉर्मल, जो कि 32 बिट बोल सकते हो आप, ठीक है। तो मैं, अपना जो सिस्टम है वो 64 बिट पे रन करता है, तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे इसका जो वर्चुअल मशीन का जो नाम है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं, या फिर इसको डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं। इसके नेक्स्ट जो लोकेशन, ठीक है, आप इसका जो VDMI जो बनेगा, ठीक है, वर्चुअल बॉक्स का जो वर्चुअल स्पेस बनेगा, उसको आप कहाँ पर रखना चाहते हैं। आप इसको सेम फोल्डर में भी रख सकते हैं और आप दूसरे पे भी रख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे इसको डी फोल्डर में रख देता हूँ, और इसका नाम मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करके इसमें दे देता हूँ, उबंटू, उबंटू, ठीक है, उबंटू 2020। तो नेक्स्ट, जैसे मैंने इसको दिया है, वो यहाँ से ओके कर दूंगा, तो मेरी यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। अब इसके नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, नेक्स्ट पे यहाँ पे आप जो भी स्पेस देना चाहिए वो दे सकते हैं। आप 10 GB, 20 GB, 30 GB, जितना आपके पास अवेलेबल है, आप इसको 10 GB के अंदर भी रन करवा सकते हैं। आपके यूजेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस टाइप से यूज़ लेना चाहते हैं। इसके नेक्स्ट आप दोबारा से यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप कस्टमाइज हार्डवेयर यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर आप इसको बाद में भी कर सकते हैं। तो आप, मैं इसको बाद में करूँगा, और यहाँ पे फिनिश कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो भी वही ऑप्शन पे जाओगे, बाद में करोगे तो भी वो इसी ऑप्शन पे जाओगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है अपने पास एडिट वर्चुअल मशीन, ठीक है, तो इस पे जाएंगे तो ये वाला ऑप्शन खुलेगा। अगर वहाँ पे क्लिक करते तो भी ये वाला ऑप्शन ओपन होता।
जहाँ पे भी आप इसको दोबारा कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। आप रैम कितनी देना चाहते हो, 2 GB 4 GB जितना आपके सिस्टम को सपोर्ट कर सकता है वो यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोसेसर, आप कितने प्रोसेसर देना चाहते हैं, 2, 4, 8 जो भी है मैं यहाँ पे दो ही दूंगा। हार्ड डिस्क वापस आप यहाँ पे, और ऑटो डिटेक्ट यहाँ पे CD, यहाँ पे हमें क्या करना है, CD को सिलेक्ट नहीं करना है, फिजिकल ड्राइव को। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ISO इमेज, ठीक है। अब हमें जो हमने जो उबंतु की जो ISO इमेज डाउनलोड की है वो सिलेक्ट करनी है। तो वो हमने कहाँ पे रख रखी है, जो मेरा सिस्टम है उसका मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर रख रखी है, इसमें उबंतु ये रहा जो लेटेस्ट वर्जन है 20.04.1, ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से ओपन कर देना है। तो बस ये करने के बाद आप यहाँ पे नेटवर्क, अगर आप ब्रिज अडेप्टर यूज़ लेना चाहें तो ब्रिज कर सकते हैं। USB कंट्रोल आप USB सेट कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके नेक्स्ट साउंड कार्ड ऑटो डिटेक्ट पे रख सकते हैं। प्रिंटर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं इसके साथ, डिस्प्ले आप खुद मैनुअली भी इसका जो है वो दे सकते हैं। और इसका होस्ट हमारे जो मतलब विंडोज़ मशीन है वो उसके बेस पे इसका जो डिस्प्ले रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक सेटिंग्स उबंटू के इंस्टॉलेशन से पहले जो कि हमने कंप्लीट कर दी है। इसके नेक्स्ट हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप पावर ऑन वर्चुअल मशीन पे क्लिक करोगे तो हमारा जो उबंटू का इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या हो गया है, हमारा जो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। अभी इसका जो फर्स्ट लुक है वो हम देखेंगे यहाँ पे, धीरे धीरे इसका जो इंटरफेस या इंस्टॉलेशन है वो यहाँ से चालू होगा। तो आप देख सकते हैं उबंटू यहाँ पे लिखा आ चुका है, चेकिंग डिस्क, ठीक है। अभी यहाँ पे चेकिंग कर रहा है, कंट्रोल सी, आप इसको कंप्लीट होने दे सकते हैं और रोक भी सकते हैं। कंट्रोल सी प्रेस करेंगे यहाँ पे तो ये यहाँ से रुक जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ से कंट्रोल सी प्रेस किया है, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे स्किप हो गया है। और दोस्तों VMware में क्या होता है, अगर आप यहाँ से होस्ट मशीन में आना चाहते हैं या फिर इसमें जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट क्लिक करके जा सकते हैं, लेकिन जो वर्चुअल मशीन है उससे बाहर आने के लिए आपको एल्ट और कंट्रोल का यूज़ लेना पड़ता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उबंटू का जो सिस्टम है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। मैं यहाँ पे इसको स्ट्रेच कर लेता हूँ फुल स्क्रीन पे, जिससे कि आपको सही से दिख सके, ठीक है। तो अब ये मेरी जो फुल स्क्रीन है उस पर आ चुका है। तो अभी इसकी जो कुछ प्रोसेसिंग है वो चल रही है, थोड़ा इसको इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा, तब तक के लिए मैं वेट करता हूँ। और दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ भी स्किप नहीं करूँगा, हमारे जो वीडियो है वो आपके सामने है, सब कुछ जो होगा वो आपको दिखेगा। मैं यहाँ पे कुछ भी स्किप नहीं करूँगा जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न या फिर एरर दिमाग में आए। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ जो कमेंट बॉक्स है वो आप लोगों के लिए खुला हुआ है, कभी भी आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो एरर जो इशू आप फाइंड करें वही कमेंट करें। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो उबंटू है उसका जो टाइम जोन है और कुछ उसकी जो बेसिक सेटिंग्स है वो यहाँ पे सेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे उबंटू का स्टार्ट होने का साउंड आया है, आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ से इसका जो इंस्टॉलेशन है, जो बेसिक प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे लिखा आ चुका है इंस्टॉल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, ट्राई उबंटू और इंस्टॉल उबंटू। आप लोगों ने देखा होगा कि दोस्तों जैसे कार लिनक्स है या फिर अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, कुछ सिस्टम में हमें क्या आता है, लाइव चलाने का ऑप्शन आता है, जिसमें मतलब कि लाइव चलाने के बाद हम उसको जो जो भी डेटा है वो डिलीट हो जाता है, लेकिन इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पास ये परमानेंट रहेगा। लेकिन जो लाइव मोड है उसमें हमारे पास ये टेम्परेरी रहता है, तो हम इसको परमानेंट इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंस्टॉल उबंटू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जो भी लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो इंग्लिश है और आप भी इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके नेक्स्ट आपका जो कीबोर्ड है वो किस लैंग्वेज में रखना चाहते हैं, मतलब कि कौन सा लेना चाहते हैं सपोर्ट, इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। इसके नेक्स्ट कंटिन्यू, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, नॉर्मल इंस्टॉलेशन और एक मिनिमल इंस्टॉलेशन। दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, नॉर्मल इंस्टॉलेशन मतलब कि हमारे पास ग्राफिकल इंटरफेस देखने को मिलेगा, लेकिन जब हम मिनिमल इंस्टॉलेशन करते हैं तो हम सिर्फ इसको CLI मोड मतलब कि कमांड लाइन मोड में ही एक्सेस कर सकते हैं, तो इसलिए हमें इसको नॉर्मल मोड में इंस्टॉल करना पड़ेगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डाउनलोडिंग अपडेट का। दोस्तों अगर आपके पास इंटरनेट वाली फैसिलिटी नहीं है तो आप इसके जो अपडेट्स है वो डिसेबल रख सकते हैं, वैसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब अगर अपडेट्स लेटेस्ट जो हमारे सिस्टम है अप टू डेट रहता है तो हमारे पास लेटेस्ट फीचर्स अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए आप अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हो तो रख भी सकते हैं, और अगर आप नहीं रखना चाहते हो तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से इनेबल ही रखूँगा, ठीक है। अब आपके ऊपर भी डिपेंड है आप इसको इनेबल करते हैं या फिर डिसेबल करते हैं। इंस्टॉल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर फॉर ग्राफिकल एंड हार्डवेयर एडिशनल मीडिया सपोर्ट, इसको अभी ऐसे
अनचेक रहने दीजिए, ये बाद में काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये अगर आपके पास एक्स्ट्रा हार्डवेयर है उस टाइम में काम आता है, अभी हम इसमें कुछ करने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको जस्ट ब्लैंक रहने दीजिए, अनचेक रहने दीजिए। इतना करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब हमें ये पूछ रहा है कि हमें क्या करना है, जो डिस्क पार्टीशन हमने क्रिएट किया है उसका जो भी डेटा है वो डिलीट करना है या फिर नहीं करना है। तो हमें यहाँ पर डिलीट इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबंटू, इस पर क्लिक करना है, क्योंकि हमारे पास उस डिस्क के अंदर कोई भी डेटा नहीं है। हमने क्या किया है, नया डिस्क जो पार्टीशन है वो क्रिएट किया है। अब इसके नेक्स्ट इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते ही अब हमारा जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी दोस्तों ये हमारे पास टाइम जोन मांग रहा है, तो ये ऑटो सेलेक्ट हो चुका है, हमें यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और फाइनल स्टेप में हमें हमारे पास ये यूज़र के लिए पूछेगा, ठीक है, आप किस यूज़र से लॉगिन होना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ लाइनक्स किंग्स, ठीक है। तो लाइनक्स किंग्स, ठीक है, ये हमारा यूज़र है जो मैंने क्रिएट किया है। अब यहाँ पे हमें इसको पासवर्ड भी देना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है, और यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, लॉगिन ऑटोमेटिकली और रिक्वायर माई पासवर्ड टू डू लॉगिन। तो जब भी आप सिस्टम को रिबूट करेंगे और जब भी आप लॉगिन होना चाहेंगे, इसमें अगर आप लॉगिन ऑटोमेटिकली कर देंगे तो आप इसे जब भी आप कभी लॉगिन करोगे तो पासवर्ड नहीं मांगेगा। लेकिन अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो जब भी आप लॉगिन करोगे, रिबूट करोगे सिस्टम को, तो हमेशा आपके पास आपसे पासवर्ड मांगेगा। जब तक आप पासवर्ड नहीं डालोगे ये लॉगिन नहीं करेगा, ठीक है। तो आप इस पे रख सकते हैं, आपका चॉइस, आप किस पे रखना चाहते हैं। अब नेक्स्ट, अब दोस्तों देख सकते हैं ये कॉपिंग फाइल्स, मतलब जो सिस्टम फाइल्स है वो कॉपी होना स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हमारा जो उबंटू का इंस्टॉलेशन है वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कि इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो। तो दोस्तों मैं जो मेरी वीडियो है इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ, जिससे कि जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। ओके दोस्तों, अब हम जो हमारी जो बैकग्राउंड प्रोसेस थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है, और अभी हमसे क्या पूछ रहा है, रीस्टार्ट करने के लिए। तो हमारा जो सिस्टम है वो कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है, और हमें यहाँ से इस पे रीस्टार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे, जो आपका जो उबंटू सिस्टम है वो रीस्टार्ट होगा। और नेक्स्ट, जैसे रीस्टार्ट होगा आप कहाँ पर पहुँच जाओगे, इसके जो लॉगिन पेज है उसके पास पहुँच जाओगे। तो अब मैं अपने जो लॉगिन स्क्रीन है उस पर आ चुका हूँ, हमें यहाँ पर जो यूज़र है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो पासवर्ड है वो यहाँ पे देना है। जैसे आप पासवर्ड दोगे वो आप क्या करोगे, इसकी जो होम स्क्रीन है उसके ऊपर आ जाओगे। तो दोस्तों ये है हमारे उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की होम स्क्रीन। हमें यहाँ पे कुछ सजेशन दे रहा है, आप इसको अपना जो उबंटू सिस्टम है उसको इससे कनेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर कनेक्ट नहीं करेंगे, इसको स्किप करेंगे। और ये लाइव पैच का कुछ दे रहा है, हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, जस्ट स्किप कर दो, ठीक है। और यस सेंड सम सिस्टम इन्फो टू कैनोनिकल, हम यहाँ पे इसको भी यस कर देते हैं, और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे लोकेशन सर्विस इनेबल करना चाहते हैं तो लोकेशन इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमें जस्ट यहाँ पे हमारा जो इंस्टॉलेशन वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम क्या कहाँ हैं, हम जो हमारी उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो होम डेस्कटॉप है उस पर आ चुके हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो रिजोल्यूशन है ये थोड़ा मतलब कि ज़्यादा है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा कम करेंगे, तो हमें यहाँ पे सेटिंग में जाना है इसकी, और सेटिंग में जाके हम सर्च करेंगे रिजोल्यूशन। तो ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो सेटिंग है वो ओपन हो चुकी है, यहाँ से हम टाइप करेंगे रिजोल्यूशन, ठीक है। तो जैसे रिजोल्यूशन पे टाइप करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाएगा, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे तो जैसे ही आप रिजोल्यूशन पे क्लिक करेंगे, डिस्प्ले का ऑप्शन आएगा, डिस्प्ले में जाके आपको यहाँ पे रिजोल्यूशन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे आपकी जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे वो आपको सेलेक्ट करना है।
ठीक है, आप इस पे भी रख सकते हैं और इस पे भी रख सकते हैं। ठीक है, मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो स्केल, ठीक है, 100% टू 100% जो भी रखना चाहिए, एंड यहाँ पे अप्लाई कर देना है। फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा कि जो ऑप्शन है वो रखना चाहते हैं या फिर सेव नहीं रखना चाहते। अब यहाँ से इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आप इसका जो फॉन्ट है वो भी बढ़ा सकते हैं। और आपको मैं जो इसके अंदर एप्स अवेलेबल है, जो सॉफ्टवेयर आते हैं, वो दिखा देता हूँ, जो कि बहुत अच्छे हैं, मुझे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से भी बेस्ट लगते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको विंडोज़ की जगह उबंटू एक बार ट्राई करना चाहिए। तो ये है वो सॉफ्टवेयर, जो फीचर्स आपको विंडो में नहीं मिलेंगे वो आपको उबंटू के अंदर मिलेंगे। ठीक है, इसका जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक स्टोर है, वैसे ही इसका भी ऐप स्टोर है, उबंटू स्टोर सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आपको बहुत सारी एप्स मिलने को देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल, इंस्टॉलेशन ऑफ उबंटू। ठीक है, अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।